तो गाइस एक्समैन नेट ग्रे मर रहे हैं और अपने आखिरी दिनों में अपनी महान पावर्स का यूज करते हुए वह इस वर्ल्ड में शांति लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन एक्समैन को लग रहा है कि एक्समैन तबाही मचा रहा है, इसलिए वो उसके खिलाफ लड़ने आते हैं। लेकिन एक्समैन उन सबको बंदी बना लेता है। तब छोटे एक्समैन उससे बात करने आते हैं, लेकिन लेजियन उनकी बात सुनकर बहुत पक जाता है और छोटे एक्समैन और एक्समैन को एज ऑफ एपोकलिप्स के अंदर भेज देता है। एज ऑफ एपोकलिप्स के अंदर कुछ दिन बीत चुके हैं और इसी बीच ग्लोब और आर्मर बाकी म्यूटेंट से अलग हो चुके हैं। कॉमिक की शुरुआत में शिकागो इलिनॉइस के अंदर आर्मर और ग्लोब इन्फिनाइट्स के साथ लड़ रहे हैं, जो कि एक किस्म से रोबोट्स हैं, जो कहते हैं हम इन्फिनाइट्स हैं, प्योरिटी के रखवाले, हम नहीं रुकने वाले, अगर तुम हम लोगों को मारते हो तो और भी आएंगे। ग्लोब कहता है तो ठीक है, हम उनको भी मार देंगे। आर्मर कहती है मैंने लगता है कि मैंने आखिरी रोबोट को हरा दिया है। लेकिन तभी पीछे से एक इन्फिनाइट भागता हुआ आता है और आर्मर को दबा लेता है। इन्फिनाइट कहता है लड़की तुम्हारा आर्मर कमजोर हो रहा है, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ और मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ। तब ग्लोब पीछे से उस इन्फिनाइट की मुंडी पकड़ता है और उसे अपनी पावर से पिंगला देता है। आर्मर कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। ग्लोब कहता है मुझे भी नहीं पता था, मैं जानता हूँ कि एक ऐसी डायमेंशन जिसके अंदर एपोकलिप्स राज करता है वो बहुत ही गंदी होने वाली थी, लेकिन मेरी पावर्स यहाँ बहुत ही अच्छी बन चुकी हैं और अभी तो मैंने इन पावर्स को समझना चालू किया है। मेरा मतलब कि मैं जानता हूँ कि यहाँ आसपास सब कुछ बुरा है, लेकिन यहाँ आकर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। आर्मर कहती है ऐसा मत कहो ग्लोब, तुम जानते हो कि तुम भी टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ग्लोब कहता है लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, कभी नहीं। आर्मर कहती है एक मिनट, ये एक्समैन कहाँ चला गया? तब एक्समैन जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था कहता है मैं ठीक हूँ। आर्मर कहती है ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो, हमें चलते रहना होगा वरना और इन्फिनाइट्स की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाएगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। एक्समैन कहता है मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। आर्मर कहती है लेकिन तुमने कहा था कि शिकागो के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें वापस ले जाने में मदद कर सकता है। एक्समैन कहता है कुछ ऐसा जो तुम्हें वापस ले जाने में मदद कर सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो चीज अब भी वहीं पे हो और काम करती हो। अब आर्मर गुस्से में ग्लोब से कहती है हमने महीनों इस आदमी का पीछा करने में वेस्ट किए, अगर ये सब एक झूठ हुआ तो। ग्लोब कहता है पिक्सी और रॉक स्लैड का क्या? आर्मर पूछती है उनका क्या? ग्लोब कहता है अगर हम उनके पास हैं तो हमें उनको ढूंढ लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। आर्मर कहती है नहीं, पिक्सी और रॉक स्लैड ने अपना रास्ता खुद चुना था, अब जो भी कुछ होगा वो उन्हीं को झेलने दो। वहीं हमें आसमान के अंदर एक एलियन दिखाई देता है जो कि उनके पास से गुजरता है और सीधे जाकर पिक्सी और रॉक स्लैड के पास लैंड होता है। एलियन कहता है मैं खबर लेकर आया हूँ, वही खबर जो तुम लोग सुनने की सोच रहे थे, वो खबर जिसे सुनने के लिए तुम लोग मुझे पैसे दोगे। तब रॉक स्लैड उसकी मुंडी पकड़ता है और कहता है क्यों ना तुम हमें खबर बताओ और हम तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम्हारी कीमत चुकाएं। अब पिक्सी रॉक स्लैड को शांत रहने के लिए कहती है। रॉक स्लैड कहता है मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब रॉक स्लैड उस एलियन को छोड़ देता है। अब वो एलियन कहता है जिन तीन लोगों को तुम ढूंढ रहे थे मैंने उनको देखा है। उधर एक्समैन पिक्सी और ग्लोब को एक जगह पे ले जाता है और कहता है मेरा जन्म यहीं पे हुआ था, मैं एक प्रोजेक्ट था जिसका जन्म एक बीमार दिमाग के अंदर से हुआ था, जिसे मिट्टी की तरह बनाया गया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया। मिस्टर सिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो मुझे एक हथियार बनाएगा, एक ऐसा हथियार जो एपोकलिप्स को हरा सके। मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने आप को ये बिताने में गुजार दी कि मैं इन सबसे अच्छा हूँ। आर्मर कहती है तुम अच्छे बन सकते हो और शुरुआत उस क्रिस्टल को ढूंढने से करो जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे, और इसे ढूंढ कर हमें घर पहुंचा दो, तब तुम वो सब बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। तभी उन दोनों को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब उनको पता चलता है कि ग्लोब ने गलती से एक बटन दबा दिया था। ग्लोब कहता है माफ करना, यहाँ पे बहुत अंधेरा था और मुझे लगा कि ये बटन एक लाइट स्विच का है। लेकिन गाइस उस बटन से जो गेट खुलता है उससे उनको एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो कि एक टैंक के अंदर बंद है। वहीं पिक्सी और रॉक स्लैड उसी बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। पिक्सी कहती है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रॉक स्लैड कहता है डैमिट,
यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन तब पिक्सी को कुछ सुराग मिलते हैं। वो कहती है कि शीशे के ऊपर भाप जमी हुई है। रॉक्सलेट कहते हैं तो इससे क्या साबित होता है? पिक्सी कहती है इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग अंदर से गर्म है, यानी कि अंदर से खाली नहीं है, और शायद वो एलियन सही कह रहा था। रॉक्सलेट कहते हैं अच्छा काम है, तुम्हारा दिमाग काफी बड़ा है। अब सिर्फ एक ही दिक्कत है, अगर वो लोग अंदर हैं और हम अंदर जाते हैं तो वो लोग फिर से हमें पीट डालेंगे। पिक्सी कहती है उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस उनको बाहर मत निकलने देना। अब पिक्सी एक स्पेल पढ़ती है और गायब होने लगती है। अंदर ग्लोब उस म्यूटेंट को देखकर कह रहा है ये तो फायर स्टार है। एक्समैन कहता है ये मर चुकी है। ग्लोब पूछता है ये कब से मरी हुई है? एक्समैन कहता है सालों से। सिनिस्ट्रम इस वर्ल्ड का एक प्रोडक्ट था, और अगर वो इस वर्ल्ड के अंदर किसी चीज के ऊपर नजर डाल लेता है और सिनिस्टर को वो चीज कीमती लगती है, तब सिनिस्टर को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मौत भी उससे नहीं बच सकती। जब मैं पहली बार तुम्हारे वर्ल्ड में गया था मुझे लगा कि वो वर्ल्ड स्वर्ग था, क्योंकि उसके अंदर मुझे वो सब सफरिंग और नफरत नहीं दिखाई दी जिसके अंदर मैं पैदा हुआ था, लेकिन मुझे ये सब समझने में बहुत टाइम लग गया कि तुम्हारा वर्ल्ड भी इसी वर्ल्ड की तरह है, सिर्फ तुम्हारे वर्ल्ड के लोग इन बातों को छिपा लेते हैं। आर्मर कहते हैं ये सही बात नहीं है, हमारा वर्ल्ड इस वर्ल्ड जैसा नहीं है। एक्समैन कहता है तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरा तुम्हारे वर्ल्ड के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। मुझे लगा था कि मैंने स्वर्ग ढूंढ लिया था, लेकिन तुम्हारा वर्ल्ड तो बस एक दूसरे तरीके का नरक था। लेकिन तुम सही कह रही हो, तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर अब भी उम्मीद बाकी है। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं ये सब क्यों कर रहा था, और मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं अब भी तुम्हारे वर्ल्ड के ऊपर यकीन करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे वर्ल्ड को स्वर्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं इसे नरक बनने से तो रोक सकता हूँ। अब ये लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सिलेंडर्स के अंदर कुछ लोग बंद हैं। एक्समैन कहते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड और तुम्हारे वर्ल्ड के बीच में कनेक्शन का यही एक पॉइंट है। लाइफ का कोई मतलब नहीं है, लोग गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं और भुला दिए जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। आर्मर कहती है तुम हमारे वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे दोस्त चिंता करते हैं। नेट कहते हैं अगर वो चिंता करते हैं तब वो कहाँ है? हम यहाँ बहुत लंबे टाइम से हैं, महीनों क्या पता सालों, और तुम्हारे एक्समैन हमें बचाने के लिए यहाँ कभी नहीं आए और वो कभी आएंगे भी नहीं। तब ग्लोब एक अलमारी खोलता है और उसके अंदर से एक बॉक्स निकालकर कहता है गाइस क्या यही वो चीज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यही वो चीज है। अब एक्समैन कहता है इसे ध्यान से पकड़ो क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और ये मकरान क्रिस्टल बहुत ही नाजुक है। लेकिन तभी एक्समैन देखता है कि उस क्रिस्टल का रेत बन चुका है। आर्मर पूछती है ये क्या हुआ? एक्समैन कहता है माफ करना बच्चों, मुझे लगता है कि इसकी एनर्जी बहुत पहले जा चुकी है। आर्मर कहती है अब हम घर कैसे जाएंगे? तब उनके सामने रॉक्सलाइड आता है और कहता है क्या तुमने मुझे याद किया? एक मिनट, क्या मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ? और तब पिक्सी बाकी लोगों के साथ वहाँ अपीयर हो जाती है और रॉक्सलाइड से कहती है तुम पहले चले गए, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब पिक्सी एक्समैन से कहती है हम यहाँ तुमसे हमेशा के लिए निपटने आए हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने साथियों से बात करनी पड़ेगी। अब पिक्सी एक्समैन को चैम्बर के अंदर बंद कर देती है और तब पिक्सी की टीम आर्मर की टीम से लड़ने लगती है। ग्लोब कहते हैं बस तुम इतने से लोग आए हो, मुझे हराने के लिए इससे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। और तब रॉक्सलाइड ग्लोब से लड़ने आता है। ग्लोब कहते हैं तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो? रॉक्सलाइड कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक्समैन को रोकने का यही एक मौका है। ग्लोब कहता है तुम उसे मारना चाहते हो? रॉक्सलाइड कहता है उसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है और हम यहाँ अपने वर्ल्ड को उससे बचा सकते हैं। ग्लोब कहता है तुम्हें समझ नहीं आया ना, वो हमारे यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। रॉक्सलाइड कहता है तुम हमें घर ले जाना चाहते हो ताकि वहाँ जाकर एक्समैन हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। वहीं पिक्सी आर्मर से कह रही है लड़ना बंद करो, हमारी मदद करो, एक्समैन को मरना होगा, यही इकलौता रास्ता है। आर्मर कहती है मैं नहीं मानती। तब आर्मर पिक्सी के ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन पिक्सी रास्ते से हट जाती है और कहती है तुम बहुत स्लो हो। आर्मर कहती है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। और तब पिक्सी के सिर पे एक पत्थर आकर लगता है और वो घायल सी हो जाती है।
अब आर्मर कहती है, वो हमारा यहाँ से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। अगर तुम उसको मार दोगे तो हमारी वाट लग जाएगी। पिक्सी कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ, हमारी पहले ही वाट लग चुकी है। हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलने वाले, और कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं कि ये भी जिंदा बाहर ना निकले। वो यहाँ पे कमजोर है, हमारे वर्ल्ड में हम उसे नहीं रोक पाए थे, हम उसके करीब भी नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं। तो बताओ, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर हमारे पास वर्ल्ड को बचाने का चांस है तो क्या हमें उसे नहीं लेना चाहिए? फिर चाहे हमारी खुद की जिंदगी दांव पे क्यों ना लग जाए। आर्मर कहती है, लेकिन तुम चाहती हो कि हम हत्यारे बन जाएं। पिक्सी कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन जैसा है वैसा है। आर्मर कहती है, लेकिन तुम्हें क्या पता, हम यहाँ उससे बात कर सकते हैं, हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, वो बदल चुका है, उसे सदमा लगा है। पिक्सी कहती है, तुम्हें लगता है कि अगर वो नरक से गुजरता है तो वो कम खतरनाक बन जाएगा? आर्मर कहती है, देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा करने के लिए कह रही हो जिसे हम वापस पलट नहीं सकते, और हमें क्या पता कि ये सब काम करेगा। पिक्सी कहती है, तुम्हें लगता है कि हम ये खतरा मोल ले सकते हैं? तुम इस पूरे वर्ल्ड को दांव पे लगाना चाहती हो? क्या तुम इतना गलत बनना चाहती हो? और किस लिए? क्योंकि तुम हत्यारी नहीं बनना चाहती, मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छी सोल्जर थी। आर्मर पूछती है, क्या हम यहाँ पे वॉर लड़ रहे हैं? पिक्सी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस चीज के ऊपर डाउट कर रही हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। तब आर्मर पिक्सी के ऊपर अटैक करती है और कहती है, नहीं तुम नहीं करोगी, क्योंकि तुम किसी को मारने से पीछे नहीं आ सकती, ये चीज तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाती है। पास में ही रॉक्सलैड और ग्लोब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तब रॉक्सलैड ग्लोब को बुरी तरीके से पीट देता है और कहता है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाते, आई एम इनडिस्ट्रक्टिबल। ग्लोब कहता है, ये वो गलती है जो हर कोई तुम्हारे साथ लड़ते हुए करता है, लेकिन मैं हर कोई नहीं हूँ, तो चलो क्यों ना तुम मुझे खा जाओ। तब ग्लोब रॉक्सलैड के मुंह में अपना हाथ डाल देता है, जिसे रॉक्सलैड की सांस अटकने लगती है। तब आर्मर ग्लोब के पास आती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिसपे ग्लोब को अपने ऊपर कंट्रोल होता है और कहता है, आई एम सॉरी। तब रॉक्सलैड खांसते हुए खड़ा होता है। अब आर्मर एक्समैन से कहती है, मैं एक्समैन की टीम से बहुत गुस्सा थी, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से कोई भी डिसीजन इतना आसान नहीं होता, कुछ भी चीज सही और गलत नहीं होती, हर एक प्रॉब्लम का अपना अपना नजरिया होता है, और इसी तरीके से हर एक सॉल्यूशन का। माफ करना नेट, लेकिन पिक्सी सही कह रही है, अगर 1% भी चांस है कि तुम हमारे वर्ल्ड में वापस चले जाओगे और इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो मैं खतरा मोल नहीं ले सकती, तुम्हें इसी टाइम यहाँ पे मरना होगा।